अयोध्या में हो रहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रंग में जहां समूचा शहर राम भक्ति में रमा हुआ है, भक्ति और उल्लास से जेल परिसर भी अछूता नहीं रहा। टेमरा रोड स्थित जिला जेल में सोमवार को राम उत्सव के उपलक्ष्य में संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। जागृति रामायण मंडल सदस्यों द्वारा गाए जा रहे संगीतमय दोहों को जब जेल में बंद कैदियों ने दोहराया तो माहौल राममय हो गया। आयोजन की विशेषता रही कि इसमें सभी धर्मों से जुड़े कैदी उत्साह से शामिल हुए। यहां सुबह 10 बजे से लगातार रामधुन गूंजती रही। सुंदरकांड के दौरान भजनों पर रामधुन में मगन कैदी भक्ति भाव में झूमते नाचते रहे। अधीक्षक विद्या भूषण प्रसाद ने बताया, दशकों बाद अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे देश भर में राम नाम की धुन गूंज रही है। इसको लेकर जेल में भी भगवान श्री राम की आराधना स्वरूप सुंदरकांड रखा गया। सुबह जेल परिसर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा का चोला श्रृंगार किया गया। सुंदरकांड के बाद महाआरती की गई। कैदियों को भोजन में भी पकवान परोसे गए। इस आयोजन का उद्देश्य यह था कि कैदी भी इस ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला अपने घर पधार रहे हैं। अब पूरा देश राममय है, उत्साह का वातावरण है, दीपावली मनाई जा रही है। ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण समाज राम भक्ति में लीन है तो हमारे बंदी कैसे अछूते रहते हैं? वे भी इसी समाज के अंग है, वे भी उनमें भी सुधरने की गुंजाइश है। तो इस माहौल का क्यों ना सकारात्मक उपयोग किया जाए, इस उद्देश्य से मैंने जिला जेल खरगोन में बंदियों के लिए सुंदर कांड मय भक्तिमय संगीतमय का कार्यक्रम रखा। बंदी झूम रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि राम भक्ति में लीन बंदी सकारात्मक एनर्जी के साथ भारत में अपनी भूमिका निभाएंगे और समाज के अच्छे नागरिक के रूप में जब बाहर निकलेंगे तो अपना रोल अदा करेंगे। इसी उद्देश्य में सुंदरकांड का आयोजन जेल में किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।